करके आएंगे, फोटोज़ वगैरह थोड़ी सी क्लिक कराएंगे, क्योंकि ये दूल्हे को अकेला नहीं छोड़ सकते भाई। आज दूल्हा है भाई साहब मेरे, तो दूल्हा स्पेशल होता ही है, होता ही है, तो सभी जानते हैं यार, बताने के। लेकिन प्लीज़ आप लोग कॉमेंट करेंगे तो भाई कैसा लग रहा है आपको, और कहीं सारी जिसे भेजिएगा और प्लीज़ आप सब लोग, आप लोग इनके जीवन खुशियों से भरा रहे, जोड़ी हमेशा सलामत रहे। और यहाँ पे मुझसे हस्बैंड भी बैठे हुए हैं, फोटोज वगैरह और कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं भी पता नहीं। दूल्हे पे ध्यान, सब लोग यहाँ पे आके फोटोज वगैरह क्लिक करवाए, उसके बाद डांस वगैरह, सॉरी फिर डांस नहीं, फिर दुल्हन के, दुल्हन भी डांस करते हुए आई, बट वो कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उधर मैं गई ही नहीं। जो भी है मैं वो शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। बहुत टाइम हो गया था बट फिर भी इतनी भीड़ जमा हुई थी, मतलब बहुत सारे लोग हैं, जो कि बहुत ही अच्छा, शादी का दिन बहुत स्पेशल होता है ना। एक दो दिन इंसान की लाइफ में इंसान को टेंशन मिलती है, एक शादी का दिन, दूसरा जन्मदिन। तो शादी के दिन तो कुछ एक्स्ट्रा अटेंशन मिलती है, और यहाँ पे सबकी बातें शादी हो रही हैं, भैया लोग, जिया लोग, चाचा लोग, सब लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सारे गेस्ट बैठे हुए हैं इधर, सब लोग बारात इंजॉय कर रहे हैं, दूल्हे को देख रहे हैं। अब यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो रही है, यस, बगल वगैरह लगा के बाकायदे भौकारों के साथ आई भाभी जी। तो आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं भाई भाभी दोनों लोगों को, अपने भाइयों के साथ एंट्री हो गई, हो रही है उनकी, गोगल लगा के डांस करते, नाचते झूमते यहाँ पे हम लोगों का डांस। सो यस, कुछ इस तरह धूमधाम तरीके से हम लोगों ने भाई और भाभी का मतलब एक साथ आए सामने, और जयमाला की रस्म हो गई है। अब यहाँ पे स्टार्ट, और जहाँ पे जय वरमाला होगा उसके बाद फिर आशीर्वाद सेशन चलेगा। मतलब ऐसे ही चीजें होती हैं हमारे यहाँ, आप लोग क्या क्या होता है, कैसे होता है, प्लीज कमेंट डाउन करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। प्लीज लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली अगली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब आप लोगों की बारी है इस नव विवाहित जोड़े को ब्लेसिंग देने की, तो यस आप जरूर कमेंट बॉक्स में जाइए और प्यारे प्यारे से भर भर के कमेंट करिए, और न्यू मैरिड कपल को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए और अपनी ब्लेसिंग दीजिए गाइस। प्लीज 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 रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ढेर सारा सब्सक्राइब करिए यार, शेयर करिए फ्रेंड और फैमिली के साथ, ताकि हमारे साथ आप लोग, मतलब मैं कुछ नया करती हूँ, कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना सब कुछ अधूरा है। तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा ज़्यादा सपोर्ट कर दीजिए, प्लीज़ 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 गाइस, और शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो को फुल वॉच करिए। थैंक यू एवरीवन, इतना प्यार आप सब लोग सपोर्ट करते हो, वैसे ही इस नवविवाहित जोड़ी को भी दीजिए, हमारे भाई भाभी को भी ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिए।
राठी का शादी का अच्छी है। भाभी भैया ये बड़े भैया सामने इधर कैमरे पे सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये क्या होने लगा अचानक से। तो मैं आपको बताऊँ, हमारे बड़े भाई और भाभी के थी एनिवर्सरी, तो बस रात के 12 बज चुके थे, तो सब लोगों ने भैया भाभी को विश किया, बिकॉज किसी को ध्यान था किसी को ध्यान नहीं था, बट जैसे ही होने लगा सबको याद आ गया, हाँ यार आज तो भाई भाभी की एनिवर्सरी थी, तो थोड़ा सा इनके इस दिन को स्पेशल कर दिया जाए मोमेंट्स को, बिकॉज दूल्हा दुल्हन तो स्पेशल है ही, बट भाई भाभी हमारे वो भी बहुत स्पेशल है, तो इनको जो है एनिवर्सरी विश किया गया। और उसके बाद थोड़ा सा फोटो सेक्शन हुआ भैया भाभी के साथ, बिकॉज आज इनका भी दिन है यार, कभी ये भी आज के ही दिन दूल्हा दुल्हन बने थे, तो ये मोमेंट और स्पेशल हो गया कि अब लाइफ में दोनों भाई एक साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुँह मीठा वगैरह होगा, उसके बाद ऐसे ही सब चलता रहेगा। और केक कटिंग हुआ, बट वो फिट यो मेरे में सूट नहीं है, तो वो डल हो गया था। उसके बाद जो भी है वो उतना मैं दिखा रही हूँ, और मेरे भाई भाभी का दस्तूर सब है, लोगों को भी आशीर्वाद प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, थैंक यू सो मच भाई। कॉमेंट बॉक्स में जाकर श्री को भी विश करिए, छोटे भैया को भी खिला रहे हैं, दूसरे से खिलाने के बाद तब तक थोड़ा सा मैंने थका है, और रसगुल्ले के खाने में रखा, तो वो तब तक 12 बज चुके थे, तो कहाँ जो दुकान में भाभी जी हमारी सबसे पहला मोमेंट था अपनी एनिवर्सरी डे की, अपनी दुकान को करा रहे हैं, और छोटी भाभी बोली थोड़ा सा खिलाई दिखे मिठा रहे थी। अरे बाप रे, जैसे लग रहा है एनिवर्सरी नहीं मिस कर रहे, प्रपोज कर रहे हैं। अच्छा, और क्या कहना चाहते हो भाभी के लिए? भाभी के लिए प्यार भरे दो शब्द कहे जाए, समझी जाए भाभी बातों से। लोग ऐसे ही रहे, और जो है माय बढ़िया से देवरानी आ जाए, देवरानी आने के बाद भी ऐसे ही रहे। हाँ, ये बात में दम है। नहीं बोलो, तुम बोलो ना, हम बोलबे नहीं, नहीं तुम बोलो, हम बोलबे नहीं करते, नहीं तुम बोलो, खत्म हो गया, नहीं लो छो बंद, अभी बात करते बंद। सो गई थी क्या? ये सब हुआ, उसके बाद आ गई है बारी अब डिनर की। यस, लेट बहुत हो गया, डिनर हो रहा है अब, तो यहाँ पे बैड रूम दूल्हा और दुल्हन के साथ हो रहा है फैमिली डिनर, जो कि बहुत जरूरी है। कितनी क्यूटी गाइस, क्यूटी पाई, बाय गॉड बहुत जबरदस्त क्यूटी, कह रही है बहुत भारी है रसगुल्ला, रसगुल्ला कह रहे बहुत भारी है, रग दी उठा के, दाल चावल सफेद सफेद पीला पीला है, और रग दी उठा के तुरंत जाए, बच्चे पिलाओ नहीं गिर जाएगा, पानी ले आओ,
मेरे पास है। कितना बोलती है टोप टोप। गिरा देते नन्नू ना, देखते नहीं है ना। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। और हमारी भाभी जी लग रही है ना एकदम नैन परी। आपसे कम कसम से बहुत अच्छी लगती हमेशा।